चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसकी हम एक्सरसाइज 4.4 देख रहे हैं। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। y इक्वल टू 3 का आपको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देना है, एक तो वन वेरिएबल और जब ये दो वेरिएबल के हिसाब से हो। तो आप देखिएगा इसका y इक्वल टू 3 का मतलब होता है, सीधी सी बात है कि x इक्वल टू 0 है, यानी हम बात कर रहे हैं x एक्सिस की। y जब कोई वैल्यू होगी, x आपका 0 होगा, इसका मतलब आप इस जगह पे है। y इक्वल टू 3 का मतलब ये होता है कि आपके पास y केवल 3 है, और अगर आप इसको x से रिलेट करेंगे तो कैसे आएगा, मैं जो अभी बोल रहा था वो सेकंड पार्ट में जाएंगे हम, लेकिन अब देखिए y इक्वल टू 3 का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। केवल वन वेरिएबल है तो आप यहां पर एक लाइन देखिए, इसमें केवल y इक्वल टू 3 है, y हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको x बोलें उसको y ही बोलें। जब वन वेरिएबल की बात होती है इसका मतलब एक ही लाइन है, तो इस एक लाइन में रिप्रेजेंट करना है y इक्वल टू 3। यहाँ पर अगर जीरो से शुरू करें तो ये 1, 2, 3, ये 3 हो जाएगी, ये आपका आ जाएगा y इक्वल टू 3। तो इक्वेशन वन वेरिएबल में है तो यहाँ पर 3 नंबर लगेंगे। अब बात करते हैं टू वेरिएबल, y इक्वल टू 3 है इसका मतलब x को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, जो मैं भी आपको बता रहा था। तो x इंक्लूड करना पड़ेगा, x तो है ही नहीं, इसका मतलब ये होगा 0x प्लस y इक्वल टू 3। अब तो ठीक हो गया, क्योंकि इसको 0 इंटू x करेंगे तो 0 ही आएगा, y इक्वल टू 3। तो 0 मतलब क्या है, यानी x मतलब कुछ है नहीं, y इक्वल टू 3 मतलब होता है y की वैल्यू है, यानी कि हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो ये y इक्वल टू 3, अब यहां पर हम x और y दोनों लाइनें लेंगे और यहां पर इस जगह पे y इक्वल टू 3 रखेंगे, y इक्वल टू 3 रखेंगे, राइट। x हमेशा ध्यान रखिए, जब y में कोई वैल्यू होती तो x, y में कोई वैल्यू होगी तो वो x एक्सिस पे लाया करता है, x में कुछ रखेंगे तो y एक्सिस पे लाया करता है। तो 0x मतलब, और 0x प्लस द वैल्यू ऑफ x कैन बी एनी नंबर, लेकिन y हमेशा 3 रहेगा। y हमेशा, देखिए y हमेशा, यहां पर पूरी लाइन आप भी बना दीजिए, y हमेशा 3 रहेगा। x कुछ भी वैल्यू डालिए, लेकिन हम यहां पर x की वैल्यू डाली नहीं रहे क्योंकि वो तो ऑलरेडी 0 है। तो यहां ये रिप्रेजेंटेशन है, अगर आप लाइन के रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो पूरी लाइन होगी। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 3 = 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल 2a। बिल्कुल वैसे ही सवाल है ये, 2x + 9 = 0 है, वन वेरिएबल में करना है तो x की वैल्यू निकालिए, यानी कि 2x इक्वल टू माइनस 9, x इक्वल टू माइनस 9/2, बस माइनस 9/2 को रिप्रेजेंट कर दीजिए। यहाँ पर एक लाइन बनाइए, ये जैसे एक लाइन बनी हुई है, जीरो से शुरू करिए, और माइनस 9/2 का मतलब क्या होता है कि अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये 4.5 आता है, माइनस 4.5। तो 4 तक जाइए और 5 तक जाइए, 4 और 5 के बीच की वैल्यू लीजिए, ये आपका माइनस 9.5 रिप्रेजेंटेशन होगा। अब इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन करते हैं दो वेरिएबल के हिसाब से, 2x + 0y + 9। x तो आपने देख लिया माइनस 9/2 है, तो x हमेशा इस पॉइंट पे रहेगा, ये स्टेट है। y आप कुछ भी वेरी करते रहे, तो ये अब यहां पर आपको x एक्सिस भी बनानी पड़ेगी, y एक्सिस भी बनानी पड़ेगी। x एक्सिस पे आप माइनस 9/2 यहां पर दे देंगे, और क्योंकि माइनस 9/2 0 है, तो ये इस पॉइंट मतलब x एक्सिस पे ही है, ओके, क्योंकि यहां पर y कुछ भी नहीं है, केवल x वैल्यू है। तो ये वाली लाइन की बात हो जाएगी, रिप्रेजेंटेशन इसका इस तरीके से होता है, हमेशा ये पैरेलल होगा इस लाइन से, y एक्सिस से पैरेलल होगा। तो ये हमने एक और रिप्रेजेंटेशन देखा और 4.4 एक्सरसाइज देखी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।